हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर ऑफ 2 जून 2022। 2 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ डू नॉट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल एंड। एंड आई मस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ यू दैट दिस वीडियो इज़ बायलैंग्वल, इट इज़ ईजिली अवेलेबल इन हिंदी और इंग्लिश। You do not have any problem while understanding the language. Okay, so before starting the video, I request all of you to please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. At the same time, I request all of you to please do share this video among your friends, family members, as well as all other aspirants who are preparing for competitive exams. Okay, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर के बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़ पेपर दैट वेरी इंपॉर्टेंट, GST कलेक्शन जम्प्स 44% टू ऑलमोस्ट 1.41 लाख करोड़ इन मे। अगेन मैं आपको बता दूँ कि दिस वॉज द फोर्थ टाइम जहाँ पर GST 1.4 लाख करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया है इन मे। ओके, हालांकि पिछले मंथ से ये कम है, इट वॉज लो एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। ओके, यू कैन सी द चार्ट ओवर हेयर, ठीक है। इन मार्च में अगर अप्रैल में अगर आप देखें तो 1.67 था, ठीक है, 1.67 था, बट इन अगर मे का आप आंकड़ा देखें तो 1.40, ठीक है, तो अभी हालांकि कम हुआ है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स वॉज हायर दैन इन मे 2021, बट 15.9 बिलो अप्रैल रिकॉर्ड की थी, ठीक है। तो पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं अप्रैल के, ठीक है, पिछले मंथ्स के, तो उनसे हमें थोड़ा सा कमी देखने को इसमें मिली है। ओके, नाउ इंडियाज़ गुड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन क्रॉस्ड 1.4 लाख करोड़ मार्क्स फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव मंथ इन मे 2022, ठीक है। इट हैज़ क्रॉस फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव मंथ्स इन मे 2022। द रेवेन्यू वेयर 44% हायर दैन ईयर अर्लियर, ठीक है, पिछले साल अगर मई में अगर आप देखें तो कितना था, पिछले साल अगर मई का अगर मैं आपको आंकड़ा दिखाऊं तो यू कैन सी हेयर इट वाज 97,821, बट दिस ईयर इट हैज क्रॉस इट वाज हायर दैन 44%, इट वाज हायर बाय 44% एंड इट केम टू 1,40,885। ओके, नाउ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू इन मे रोज 44% फॉर ईयर अर्लियर, ओके, इतना हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, वाइल गुड इम्पोर्ट यील्ड 43% हायर टैक्स, ओके, जो इम्पोर्ट है वो यील्ड हुई कितना 43% हायर टैक्स। दिस इज ओनली द फोर्थ टाइम द मंथली GST क्रॉस, ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया दिस वॉज द फोर्थ टाइम, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बार हुआ है 1.4 का आंकड़ा क्रॉस हुआ है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये नहीं हुई, एक ये हो गया, चार, ठीक है, तो चार, ये चौथी बार है कि हमने 1.4 का आंकड़ा क्रॉस किया है सिंस द इंसेप्शन ऑफ GST, जब से GST आया है, तो ये उसके बाद से ये चौथी बार हो चुका है। एंड द थर्ड मंथ एट द स्ट्रेच्ड सिंस मार्च 2022 द फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड एक्सप्लेनिंग द मंथ ऑन द मंथ डिप इन GST रेवेन्यू फ्रॉम अप्रैल रिकॉर्ड 1.67 लाख करोड़, द मिनिस्ट्री सेड द रिसिप्ट इन द मे वेयर फॉर ट्रांजेक्शन अंडरटेकन इन अप्रैल। ओके, सो जो मे में जो लिया जाता है रिसिप्ट, इट इज फॉर द ट्रांजेक्शन अंडरटेकन इन अप्रैल। ओके, सो इसलिए ये GST ज़्यादा था इसमें अप्रैल के मंथ में, और अभी ये थोड़ा सा इसमें गिरावट देखने को मिली है। ओके, नाउ जो रेवेन्यू ग्रोथ है इट वॉज बायंट अक्रॉस मोस्ट स्टेट, ओके, इट वॉज बायंट अक्रॉस मोस्ट स्टेट एंड एज मेनी एज 20 स्टेट्स एंड UT saw रेवेन्यू राइज फास्टर दैन 44% नेशनल एवरेज, इंक्लूडिंग मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट कर्नाटका 60% हो गया, महाराष्ट्र में हो गया 50% एंड गुजरात 46%। अमंग सदर्न इंडियन स्टेट्स, जो सदर्न में स्टेट्स हैं उनका जो कलेक्शन रहा है वो ये 41% तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, केरला एंड तेलंगाना saw the growth of 47, 80 and 33 respectively. Okay, so these are the states जिनका ये बताया गया है कलेक्शन। ओके, और आपको ये याद रखना है कि GST कलेक्शन ये 1.4 का आंकड़ा क्रॉस किया है, ये चौथी बार ऐसा हुआ है। ओके, सो दिस वॉज इंपॉर्टेंट न्यूज़, और भी ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो हम लोग सीधा चलते हैं नीचे की तरफ, नीचे हम लोग डिस्कस करते हैं। सो हम लोग नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स में आज कोई इंपॉर्टेंट इतना न्यूज़ नहीं है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल वेयर US एंड ताइवान टू क्विकली डेवलप्स रोड मैप फॉर ट्रेड इनिशिएटिव, ठीक है, ट्रेड इनिशिएटिव को स्टार्ट करते हुए US और ताइवान रोड मैप के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और इनका मेन एम क्या है, टू क्रिएट इंक्लूसिवनेस
एंड ड्यूरेबल प्रोस्पैरिटी. ओके, दिस वॉज इट्स मेन एम. ठीक है, इनका मेन एम क्या है? टू क्रिएट इंक्लूसिवनेस एंड ड्यूरेबल प्रोस्पैरिटी. द US विल लॉन्च न्यू ट्रेड टॉक विथ ताइवान. ठीक है, ताइवान के साथ ये बैठ के बात करेंगे. ओके, रिगार्डिंग ट्रेड. एंड US ऑफिशियल सेड ऑन वेनसडे जस्ट डे आफ्टर प्रेसिडेंट जो बिडेन लॉन्च इट्स एन इकोनॉमिक प्लान फॉर एशिया. ठीक है, जैसे ही इकोनॉमिक प्लान लॉन्च किया गया इसके लिए एशिया के लिए, इंटेंडेड टू पुश बैक ऑन चाइना दैट एक्सक्लूडेड इन चाइनाज क्लेम आइलैंड. ठीक है, जो आप सबको पता है कि इंडिया का आज के डेट में एज पर अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैटिकल डाटा, ठीक है, जो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन हो चुका है? वो हो चुका है अभी USA. ठीक है, USA हो चुका है. तो ये USA को चाइना को पीछे ढकेलने के लिए अभी ये क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स प्लान को लेकर आ रहे हैं फॉर एशियाज. ओके, वाशिंगटन एंड ताइपी विल मूव क्विकली टू डेवलप अ रोड मैप. ओके, एंड वाशिंगटन और जो ताइपी है दे आर मूविंग वेरी क्विकली टू डेवलप अ रोड मैप इनिशिएटिव एंड टू फॉर द प्लान्ड US Taiwan initiatives on 21st century trade in the coming weeks, which would be followed by in-person meeting with US Capital later in June, two senior US administration official told reporter. This initiatives would aim to reach an agreement with the high standard commitments. ठीक है, जो initiatives होगा जिसमें बहुत सारे agreements होंगे with high standards commitments that create inclusive and durable prosperity on issues that include custom facilitations. ठीक है, तो कुछ customs कुछ duty जो है prosperities के ऊपर बात की जाएगी. okay, inclusiveness create की जाएगी और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर बात की जाएगी, custom फैसिलिटेशन की, फाइटिंग करप्शन की, ओके, कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑन डिजिटल ट्रेड की, लेबर राइट्स के ऊपर बात करेंगे, हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करेंगे, एन एफर्ट टू कर्व स्टेट ओन एंटरप्राइजेस एंड नॉन मार्केटिंग प्रैक्टिस, इसके ऊपर ये बात करेंगे. ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड कीप इन माइंड. ठीक है, सो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, करप्शन कैसे कम होगा, करप्शन से हमें कैसे लड़ना है. ओके, डिजिटल ट्रेड कैसे होना चाहिए, लेबर के क्या क्या राइट्स होने चाहिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या क्या हैं. ओके, जो कुछ एफर्ट्स करना हमें लगाना होगा टू कर्व स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस. ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर. और ये बातें होंगी. ओके, ट्रेड इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाएगा विद ताइवान के साथ ट्रेड इनिशिएटिव स्टार्ट करने की बात किए हैं US ने. ओके, नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये वाली. ठीक है, US टू सेंड एडवांस रॉकेट टू यूक्रेन. ठीक है, बहुत दिन से हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे US क्या क्या स्टांस है इन रसिया एंड यूक्रेन. ठीक है, तो अब जो ये स्टेप लिया गया है इट विल बी डिजास्ट्रस फॉर रशिया. ठीक है, और ये मैं कहने से बिल्कुल नहीं चुकूंगा कि अगर इतना बायस नेचर अगर आप रखेंगे रशिया के खिलाफ तो एक पल के लिए रशिया हो सकता है कि अपने न्यूक्लियर को एक्टिव कर दे और मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. ओके, क्योंकि आपको जो मैं बताने वाला हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हेयर बिकॉज US ने जो एडवांस रॉकेट सेंड किए हैं उसकी जो रेंज है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इट बिकॉज इट इज़ फ्रॉम 80 to 300 किलोमीटर. ठीक है, जो रॉकेट उन्होंने बोला था कि हम 80 किलोमीटर वाले रॉकेट देंगे यूक्रेन को, ताकि पहले तो एजेंसीज में यही न्यूज़ फैली थी कि हम 80 किलोमीटर वाले रॉकेट देंगे ताकि बस वो ट्रूप्स को पुल बैक कर सके. ठीक है, हटा सके पीछे से, जो रशियन ट्रूप्स हैं उनको पीछे हटा सके ओडिशा से, बहुत सारे जो रीजन्स हैं. ओके, वहाँ से वो पीछे हटा सके. ठीक है, लेकिन हाउएवर बाद में USA ने क्लियर किया कि दे विल ऑल्सो गिव 300 किलोमीटर रेंज एडवांस रॉकेट, वो भी उनको देंगे, जिसका नाम क्या है? हिमार्स. ठीक है, हिमार्स. ओके, ये क्या है? एक मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है दैट द US हैज एग्रीड टू सेंड टू यूक्रेन. ओके, इसकी रेंज कितनी है? 300 किलोमीटर है. ये क्या कर सकता है अगर आप इसके बारे में जानिएगा तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये कैसे करेगा. ठीक है, अगर मान लीजिए 300 किलोमीटर की रेंज अगर यहाँ से बैठ के छोड़ दिया गया, ठीक है, ये बहुत ही हाईली, मैं आपको बता दूँ, हाईली ये बहुत ही ज़्यादा हाईली टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है. ठीक है, इसको पकड़ पाना एक बहुत बहुत बड़ा चुनौती होगा रशिया के लिए. ओके, और इवन 300 किलोमीटर ये रशिया की टेरिटरी में भी घुस के रशिया के भी सैनिक को मार सकते हैं, सिविलियंस को ये हानि पहुंचा सकते हैं अगर यूक्रेन ऐसा करता है तो.
ओके okay, सो ये एक बहुत बड़ा वो होगा, स्टेप होगा, अगर इसके रिगार्डिंग और इसके रिस्पांस में रशिया क्या स्टेप लगा इवन डोंट नो। लेकिन अब तक मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पता किया अब तक जो सोर्सेस मेरे को जहां से मिले हैं वो मैं आपको बता दूं कि रशिया ने न्यूक्लियर ड्रिल स्टार्ट कर दिया, अगेन स्टार्ट कर दिया, मे बी एक्टिव कर देंगे, कोई भरोसा नहीं है। जब ये हिमारस भेज दिए मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम जो कि रशिया को हैवी लॉसेस पहुँचाने की वो रखता है, ठीक है, नींव रखता है, तो कुछ भी हो सकता है अब यहाँ पर, ठीक है। वॉशिंगटन डजेंट वॉन्ट कीव टू फायर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, क्रेमलिन स्लैम्स द यूएस फॉर एडिंग फ्यूल टू फायर, द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन सेज इट विल सेंड यूक्रेन अ स्मॉल नंबर अ हाई टेक मीडियम रेंज रॉकेट सिस्टम, अ क्रिटिकल वेपन दैट यूक्रेन लीडर हैव बीन आस्किंग फॉर एज दे स्ट्रगल टू स्मॉल रशियन प्रोग्रेस, ठीक है। सो वो धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आगे बढ़ते जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लॉसेस होती जा रही है, सेवरल लॉसेस होती जा रही है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको पता है कि इकोनॉमिकली तो हो ही गया है खराब हालत, ठीक है, लेकिन जो यूक्रेन में जो हालत है धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही है। तो ये सब चीज़ को करने के लिए यूएसए ने एक स्टेप लिया दैट दे विल बी दे आर गोइंग टू सेंड हिमारस, जो कि एक बहुत ही अच्छा मीडियम रेंज, वी कैन से दैट इट्स अ मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम, और रॉकेट सिस्टम आर द पार्ट ऑफ न्यू 700 मिलियन ट्रांच ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंस फॉर यूक्रेन फ्रॉम द यूएस, दैट विल इंक्लूड हेलीकॉप्टर्स, जेवलिन एंटी टैंक्स वेपन सिस्टम, टैक्टिकल व्हीकल्स, स्पेयर पार्ट्स एंड मोर टू सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिशियल्स, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर इंक्लूड फॉर यूक्रेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी असिस्टमेंट असिस्टेंट के तौर पे, ठीक है। इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, हेलीकॉप्टर आती है, लिख लीजिए, हेलीकॉप्टर देंगे, ठीक है, जेवलिन देंगे, एंटी टैंक वेपन सिस्टम देंगे, टैक्टिकल वेपन देंगे, ठीक है, और स्पेयर पार्ट्स देंगे, और कुछ और दो और सीनियर ऑफिशियल्स वहाँ से आ रहे हैं टू गाइड इट, ओके। यूएस वुड सेंड यूक्रेन रॉकेट सिस्टम दैट कैन स्ट्राइक इनटू रशिया, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ऐसा सिस्टम जो कि बॉम्बार्डमेंट कर सकता है कहाँ पर, रशिया में भी जाके ये बॉम्बार्ड कर सकता है, ठीक है, स्ट्राइक कर सकता है, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दैट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। द एड्स पैकेज एक्सपेक्टेड टू बी अनवील ऑन वेडनेसडे वुड सेंड वॉट द US considered medium range rocket, they generally travel about 70 kilometers officials said, ठीक है, ये 70 kilometers जैसे कि नाम के लिए है, लेकिन it can goes up to 300 kilometer, ठीक है, 300 kilometer वाले भी missile रशिया ने अप्रूव कर दिए हैं, sorry USA ने अप्रूव कर दिया to Ukraine, okay, now expectation is that Ukraine could use the rocket in the eastern Donbass region, ठीक है, जैसा कि Donbass region में बहुत ज़्यादा military activity active हुई है रशिया की जो सेना है, where they could both intercept Russian artillery and take out Russian positions in town where fighting in tents and such as several serve downstack, ठीक है। So these things very important which you should remember, जो artillery के through रशिया के जो artilleries हैं उनके through जो यूक्रेन पर जो heavy losses हुई है, ठीक है, उनको पीछे करने की ये planning है, ठीक है, उनको ये easily इससे क्या कर सकते हैं, defeat कर सकते हैं, okay। So एक बहुत बड़ा move है जो बाइडन का, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है फॉर द यूक्रेन, ओके, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट ई मोबिलिटी स्टार्टअप यूलिट डिप्लॉय 1 लाख ई बाइक्स, ठीक है, 1 लाख ई बाइक्स को डिप्लॉय करने की बात की गई है यहाँ पर, एंड फॉर्म टू सोर्स बाइक फ्रॉम बजाज ऑटो, ठीक है, और ये किस कंपनी की बाइक्स होंगी, ये बजाज ऑटो की बाइक होगी। शेयर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप सियोलो इज टारगेटिंग टू डिप्लॉय अबाउट 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कौन कितना बाइक दे रहा है, कौन कितनी ऑटो दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे रहे हैं, ठीक है, या तो 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें आ रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहा है, उस पर फोकस किया जा रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है, क्यों, क्योंकि हमारी जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लीजिए, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये इन्वायरमेंट को सेफ रखेगा, पॉल्यूट नहीं होने देगा, ठीक है, पॉल्यूट नहीं होने देगा। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नमेंट इसके ऊपर सब्सिडीज दे रही है, ठीक से सब्सिडीज दे रही है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है नो इंटरेस्ट लोन, ठीक है, नो इंटरेस्ट लोन, ठीक है, नो इंटरेस्ट लोन, ओके।
चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके घर में जो गर्ल चाइल्ड है, जिनके घर में जो गर्ल चाइल्ड है उनके अगर फादर ये परचेस करते हैं, उनको बहुत ही कम सब्सिडीज पे, मतलब कि इवन लेस दैन, बहुत ज़्यादा कम, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा कम सब्सिडीज पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही हैं। ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रमोशन है फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। बजाज का जो ऑटो है, इट हैज़ टेकन द पार्ट, ओके। नाउ 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक के डिप्लॉयमेंट की बात की गई है इनके द्वारा, और ऑटो भी ये बात कर रहे हैं कि ऑटो को भी हम करेंगे, ठीक है, ठीक है। सो ये ऑपरेशन को एक्सटेंड करेंगे। अबाउट 10,000 ऑफ द बाइक विल हिट द रोड इन सितंबर दिस ईयर, ठीक है। लगभग 10,000 बाइक आपको दिखेंगी, जो इलेक्ट्रिकल बाइक्स होंगी वो आपको दिखेंगी सितंबर में, इस साल में, ठीक है। स्टार्टिंग सितंबर वे शुड ब्रिंग अबाउट 10,000 न्यू बाइक्स ऑन द रोड, ओके। मिस्टर मिस्सा added that the pandemic a new use case emerged, the Yulu bike, okay. So the use of these bikes by deliveries boys during COVID-19 in Bangalore, everything was shut and the only vehicle allowed on the road was Yuli, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है इनकी importance, ठीक है। जब Bangalore में जब COVID आया था तो उस time पर हर एक चीज़ बंद था, ठीक है, it was a complete lockdown, okay. instead of that also they were allowed to use Yulu on the road, okay. So these things are very important to keep remember. May fuel sales surge due to summer's travel, ठीक है, summer's travel की वजह से जो fuel sale है वो surge हो सकता है, ये बताया गया है, ठीक है। आपको बस याद रखना, नथिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस, ओके, बस आपको याद रखना है, ठीक है, सारी चीजें। नाउ एक यहां पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो आर्टिकल मेरे को इंपॉर्टेंट लगेंगे फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको ऑफ कोर्स बताऊंगा, ठीक है, देयर इज नो नीड टू टेक एनी टेंशन, ओके, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे कि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जिसमें बोइंग 767 की सिविल एयरक्राफ्ट, उसको किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, फ्यूल टैंकर में कन्वर्ट किया जा रहा है, ओके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गवर्नमेंट का और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का, दैट दे आर गोइंग टू कन्वर्ट 6 बोइंग 767 सिविल एयरक्राफ्ट इनटू मिड एयर रिफ्यूलर फॉर द इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट का, एज वेल एज फ्रॉम द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। वो क्या करेंगे, 6 बोइंग 767 जो सिविल एयरक्राफ्ट है उनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिड एयर रिफ्यूलर में, ओके। और ये किसके लिए किया जा रहा है, इंडियन एयर फोर्स के लिए, for which it had entered into an agreement with Israel Aerospace Industries, ठीक है। अप्रैल में एक एग्रीमेंट हुआ था Israel Aerospace Industries से, ठीक है, और ये उस एग्रीमेंट में के तहत इस टाइप के चीज़ें को यहाँ पर बना रहे हैं, ओके। The IAF has been looking to procure mid-air refueler for some time, ठीक है। So it was looking to procure mid-air refueler for some time. 6 Boeing 767 will be converted from civil to military certification. Now जो ये सिविल सर्टिफिकेशन था इसको कन्वर्ट किया जाएगा आप मिलिट्री सर्टिफिकेशन में, क्योंकि भाई इंडियन एयरफोर्स तो ऑफकोर्स मिलिट्री के अंदर में आती है, ठीक है, तो मिलिट्री है तो इसको सिविल का तो अथॉरिटी मिलेगा नहीं ना भाई, ऑफकोर्स मिलिट्री की सर्टिफिकेशन इसको चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड विल float a global tender to purchase a second hand B767 from the market, okay. Now Hindustan Aeronautical Limits will float a global tender to purchase used Boeing 767s. So it's very important which you should remember ki abhi 6 Boeing 767 ke jo civil aircraft hai usko that will be converted into fuel tanker for Indian Air Force, ओके। नाउ एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज कंपेन्ड ऑन टू बूस्ट वैक्सीन कवरेज, ठीक है। वैक्सीन कवरेज के ऊपर बहुत सारे कैंपेन अब ये लगाए गए, ठीक है, और चलाए भी गए हैं, ठीक है, चलाए भी जा रहे हैं अभी भी, ओके। नाउ ये क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा, कुछ मेजर फोकस किया गया उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। डोर टू डोर ड्राइव्स विल फोकस ऑन ओल्ड एज होम, ठीक है, जिसके घर में बूढ़े लोग हैं, ठीक है, और मैं कह सकता हूँ जिनके घर में अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स जो पीपल्स हैं, ठीक है, उनके लिए डोर टू डोर ड्राइव्स कंडक्ट कराए गए, ठीक है। स्कूल्स में आपको देखेंगे कि वैक्सीन स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी, जेल में भी, और इवन ब्रिक्स क्लीन में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि हर जगह कैंपेन चलाए गए ताकि लोग सेफ रहें, ठीक है, लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का ध्यान गया है ताकि लोगों को ज़्यादा हैवी लॉसेस ना हो, ओके। यहाँ पर उसके लिए कैंपेन हर जगह चलाया गया उनके लिए, ठीक है। नाउ
2 month हर घर दस्तक 2.0 campaign commenced on Wednesday to expedite COVID-19 vaccinations coverage by including all eligible beneficiaries through door-to-door campaign. ठीक है, now this is very important. 2 महीने का हर घर दस्तक 2.0 campaign जो है, it was commenced on Wednesday. ठीक है, to expedite COVID-19 vaccination coverage by including eligible beneficiaries. ठीक है, जो door-to-door, ये क्या है? Through door-to-door campaign. ठीक है, ये door-to-door घर-घर जाके ये campaign कर रहे हैं, ये drives लगा रहे हैं लोगों को. The focus will be on people in old age homes, schools, college and prison. ठीक है, इनका main focus क्या है कि ये क्या कर रहे हैं, ये वो लोगों पे ध्यान दे रहे हैं जहाँ पर, जिस घर में बूढ़े लोग हैं. ठीक है, वहाँ पर जो above the age of, you can say that above the age of 60 years old. ठीक है, तो old age home को ऊपर इनका बहुत ज़्यादा focus किया गया है. ठीक है, school के ऊपर focus किया गया है, colleges में focus किया गया है, even prison और bricks clean. ठीक है, ये जो है schools में पहले भी focus किया गया था, colleges में पहले भी किया गया था, prison में पहले भी किया गया था, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा फास्टली एक्टिव होती जा रही है. ठीक है, हर जगह, मतलब कि पहले कुछ कुछ जगह लिमिटेड थी, हर जगह लिमिटेड थी. ठीक है, लेकिन अब अनलिमिटेड कर दिया गया है. ठीक है, कहीं भी जाकर कुछ भी हो जा रहा है. ठीक है, सो एज द प्रोग्राम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द मिशन मोड, ठीक है, द स्टेट एंड यूटी हैव बीन एडवाइज टू गिव एन इंटेंस पुश टुवर्ड द फुल वैक्सीनेशन कवरेज फॉर ऑल एलिजिबल बेनिफिशरीज. ठीक है, जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनको पुश करें टुवर्ड्स द वैक्सीनेशन कवरेज. ठीक है, ये एक स्टेट्स एज वेल एज यूटी की जिम्मेदारी है कि ये सेंटर में इसका साथ बताएं. ठीक है, और जो सिटीजन्स हैं उनका भी एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऊपर भी, कि आप जाइए और वैक्सीनेशन लगवाइए और अपने आप को सेफ कीजिए. ओके, और नाउ कुछ आप अगर आप वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो आप कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द कंट्री ऑल्सो. ओके, द मिनिस्ट्री सेड दैट द मेजर फोकस वुड रिमेन ऑन इम्प्रूविंग सब ऑप्टिमल प्रिकॉशन डोज कवरेज ऑफ पर्सन इज 60 एंड अबव. ठीक है, जैसा कि मेन किसके ऊपर फोकस किया गया, 60 एंड अबव द एज अलॉन्ग द कंसिडरी स्लोअर स्पीड ऑफ कवरेज इन 12 एंड 14 कोहर्ट बाई फोकस्ड कैंपेन एट ओल्ड हिज होम स्कूल्स कॉलेज प्रिजंस ब्लैक हिम्स एंड सो ऑन दोज टारगेटेड एट स्कूल एट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस. ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर. ओके, सो मेन जो फोकस है वो किसके ऊपर है, ओल्ड एज होम के ऊपर है. डोर टू डोर ड्राइव्स किया जाएगा, स्कूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कॉलेजेस प्रिजंस एंड ब्रिक्स क्लिन्स के ऊपर भी. ओके, सो ये कैंपेन चलाया जाएगा डोर टू डोर हर घर दस्तक कैंपेन 2.0. ठीक है, नाउ ये इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको बता दिया. नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. सेंटर टू होल्ड सेशन ऑन गिग वर्कर्स राइट्स. ठीक है, जो गिग वर्कर्स जो भी है ना, ओला में जो काम करते हैं या फिर जोमेटो डिलीवरीज जो बॉयज़ हैं, सो ये सारे क्या हैं, गिग वर्कर्स हैं. ठीक है, सो गिग वर्कर राइट्स के लिए जो सेंटर ने सेशन को होल्ड करके रखा हुआ है. एंड पीपल एम्प्लॉयड विथ मैनी न्यू प्लेटफॉर्म हैव बीन डिमांडिंग पुअर वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी. ऑफकोर्स मैं ये बात बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, पर्सनली मैं बोलता हूँ इस बात से सहमत हूँ. ठीक है, अगर मैं ही, मान लीजिए मैं हूँ या फिर कोई और हो, ठीक है, ये पर्सन अगर मैं, हम मान लीजिए हम कुछ डिमांड करते हैं, हम कुछ ऑर्डर करते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि वो भैया वो उड़ के जल्दी से आ जाए. ठीक है, हम सोचते हैं, हमारे से वेट नहीं होता ना, ऑफकोर्स हम इंसान ही, हमसे वेट नहीं होता, हम सोचते हैं वो उड़ के जल्दी से आ जाए. भैया वो भी इंसान है ना, ही इज ऑल्सो हैविंग सेम काइंड ऑफ फीलिंग टुवर्ड्स एवरी वन. ओके, सो गिग वर्कर्स उनके खिलाफ, उनके रिस्पेक्ट, उनके लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट, प्लस रिस्पेक्ट से काम नहीं चलेगा. गवर्नमेंट नीड टू हेयर समथिंग, गवर्नमेंट नीड टू डू समथिंग मोर. ठीक है, लाइक उनको प्रॉपर वेजेस देने की ज़रूरत है. सैलरी में उनकी दिक्कत है. ठीक है, सैलरी उनको प्रॉपर नहीं मिलती है. ठीक है, कहीं कहीं 8,000, कहीं कहीं 9,000, कहीं कहीं 10,000. ठीक है, मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया, जाके देखा भी है मैंने. ठीक है, तो मैंने बात किया लोगों से. ठीक है, तो नहीं मिलती है प्रॉपर सैलरी. सोशल सिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं है, वो हर जगह घूम घूम के जाते हैं. ठीक है, तो उनकी सोशल सिक्योरिटी का एकदम धजिया उड़ा हुआ है. ठीक है, तो सेंटर नीड टू हेयर समथिंग. ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ होने चाहिए, कुछ राइट्स होने चाहिए, ताकि पीपल को प्रॉपर सैलरी मिले. ठीक है, प्रॉपर सिक्योरिटी मिले एज वेल एज प्रॉपर सेफ्टी भी मिले. ओके, सो इसके रिगार्डिंग मैं यही बताना चाहता था कि जो गिग वर्कर्स हैं उनके, वो भी एक इंसान है हमारी तरह ही. ठीक है, तो उनके खिलाफ भी थोड़ा, उनके जो लिए हैं, खिलाफ नहीं, उनके लिए हैं, उनके लिए थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है. ओके, नाउ कुछ लेबर राइट्स उनको देने की ज़रूरत है. ओके,
नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, दैट इज़ इंडस वाटर ट्रीटी, कैसे साइन हुआ, क्या हुआ, ये सब मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। एक कंक्लूजन मैं आपको बता दूंगा, ये इतना मुझे बताने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबको जानता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दो दो डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है। एक तो वाटर डिस्प्यूट है ही है, ठीक है, दूसरा क्या है, बाउंड्री डिस्प्यूट है। ओके, नाउ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उसी के चलते हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है उसका, ठीक है, ऑफकोर्स। और ये जो हुआ है इसके लिए तो बहुत ही शुक्रगुजार है कि चलो ठीक है, पानी दे तो रहे, ठीक है। हम चाहते हैं, हम तो कभी कभी इतना गुस्सा आता है, हम कभी कभी बोलते हैं पानी ही रोक देंगे तुम्हारा, ठीक है। तो हम क्योंकि हमारे से ही होके फ्लो होती है, तो हम कभी कभी बोलते हैं पानी ही रोक देंगे हम तुम्हारा। ओके, तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर जो ट्रीटी साइन हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, इसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। इट वॉज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। ये क्या थे, एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी था किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसके बीच में वर्ल्ड बैंक का बहुत ही बड़ा हाथ था, ठीक है। जिसके बीच में वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा हाथ था, सब कुछ उसने किया था, ठीक है। उस टाइम के जो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बहुत ही मदद की थी, ठीक है। तो उसकी वजह से ये ट्रीटी साइंड हो पाई, और टू यूज ये हुई किस लिए थी, टू यूज वाटर अवेलेबल इन इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। जो भी वाटर अवेलेबल है इन इंडस वाटर और इसकी ट्रिब्यूटरीज में, उसको यूज़ करने के लिए इस ट्रीटी को साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, ट्रीटी वॉज साइंड इन कराची, ठीक है। इस ट्रीटी को साइन किया गया था कराची में ऑन 1960, के उस टाइम पे आपको पता है ये पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है अयूब खान और इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में इस ट्रीटी को साइन किया गया था इन कराची 19th of September 1960। ओके, नाउ ये ट्रीटी कहता क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ट्रीटी क्या कहता है कि जो रवि है और जो रवि रिवर हो गया, ब्यास रिवर या फिर सतलज रिवर जो कि ईस्टर्न रिवर्स हैं, दिस विल कम टू इंडिया, ठीक है। ये क्या आएंगे, इंडिया में आएंगे। ओके, इंडिया के लिए ये वाटर देंगे। ओके, और जो इंडस है, चेनाब है और ये जो झेलम है, दिस विल गो टू पाकिस्तान, ठीक है, जो कि वेस्टर्न रिवर्स है। ओके, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इंडिया हैज़ अबाउट 20% ऑफ टोटल वाटर कैरिड बाय इंडस सिस्टम वाइल पाकिस्तान हैज़ 80%, ठीक है। इंडिया मात्र 20% लेता है, पाकिस्तान 80%। ओके, लेकिन इंडिया को ये भी स्ट्रेटी के तहत ये भी अलाउ है कि जो वेस्टर्न वाटर्स हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न वाटर कौन कौन से, वेस्टर्न वाटर जैसे कि मैंने आपको बताया इंडस, चेनाब और झेलम, ठीक है, उनका यूज़ इंडिया कर सकता है फॉर लिमिटेड इरीगेशन यूज़, ठीक है, जो इरीगेशन यूज़ है खेती के लिए, ठीक है, उनके लिमिटेड यूज़ के लिए वहाँ से वाटर ले सकता है इस ट्रीटी में, इसके तहत साइन किया गया था, ठीक है। और नॉन कंज्यूमटिव यूज़ फॉर एप्लीकेशन सच एज पावर जनरेशन, नेविगेशन, फ्लॉटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, फिश कल्चर एक्सेट्रा, ठीक है। सो इसमें जो ऐसी जो चीज़ें जिसमें जहाँ कंजप्शन ज़्यादा ना हो, ठीक है, वहाँ पर अनलिमिटेड यूज़ कर सकता है वहाँ से उस रिवर से, ठीक है, जैसे कि पावर जनरेशन में, नेविगेशन में, फ्लॉटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज में, फिशिंग कल्चर्स में। ओके, सो ये सारी राइट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंडिया को पहले से दी गई थी, ठीक है, इट्स ट्रीटी के तहत। इट लेज डाउन डिटेल रेगुलेशन फॉर इंडिया इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट ओवर वेस्टर्न रिवर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स भी हम बना सकते हैं ऑन वेस्टर्न रिवर्स। ओके, ऑफकोर्स पावर जनरेट भी हम कर सकते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ द ट्रीटी रिकॉग्नाइज द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ईच कंट्री इन द ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर फ्रॉम इंडस रिवर इन स्पिरिट ऑफ गुडविल, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन। दिस हैज नॉट रिड्यूस द पाकिस्तानी फियर दैट इंडिया कुड पोटेंशियली क्रिएट फ्लड एंड ड्रॉट इन पाकिस्तान स्पेशली इन द टाइम ऑफ वॉर, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, अगर हम चाहें तो ऑफकोर्स ये ऐसा एक टाइप का फियर है फॉर द पाकिस्तान दैट इंडिया कुड पोटेंशियली क्रिएट फ्लड, ठीक है, इंडिया पोटेंशियली क्रिएट कर सकता है फ्लड और ड्राफ्ट इन पाकिस्तान अगर वो चाहे तो, स्पेशली इन द टाइम ऑफ वॉर। सो इन 1948 द वाटर राइट्स ऑफ द रिवर सिस्टम वॉज फोकस्ड ऑन इंडो पाकिस्तान वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। सो 1948 में क्या हुआ, जो वाटर राइट्स है रिवर सिस्टम का, इट्स मेन फोकस वॉज इंडो पाकिस्तान वाटर डिस्प्यूट। सिंस द रेक्टिफिकेशन ऑफ द ट्रीटी इन 1960, India and Pakistan have engaged in what in any water war, despite engaging several military conflicts, most disagreement and dispute have been settled via legal procedure and provide for within the framework of the treaty. The Indus Water Treaty is considered one of the most successful water sharing endeavor in today's world.
ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन हो गया पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए, नहीं तो आज के लिए आज तक भी ये सरदर्दी बना हुआ है, क्योंकि हमेशा ये जो पाकिस्तान है कुछ ना कुछ करता ही रहता है, ठीक है। लेकिन अब तक का ये सबसे सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग एंडेवर साइन हुआ था, ठीक है। इवन थ्रू एनालिसिस नॉलेज द नीड टू सर्टेन अपडेट्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड एक्सपैंड द स्कोप ऑफ एग्रीमेंट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। ओके, सो कुछ एक्सपैंड मांगते हैं पाकिस्तान, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ये थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी। ओके, अब पूरे में अगर आप पढ़ें तो यही है कि कैसे साइन, वही चीज़ें यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। एग्रीमेंट की बात की गई है, ठीक है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था किसका, वर्ल्ड बैंक का। यू कैन सी हेयर, यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन सी हेयर द सेम इवनिंग वॉज साइनिंग ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। दिस वॉज डन ड्यू टू डेकोरम एंड सॉलेमनिटी। नेहरू साइन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया एंड अयूब खान ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान एंड विलियम एलम्फ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। द ट्रीटी वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट आफ्टर द ट्रांजेक्शन पीरियड ऑफ 10 years एक्सटेंडेबल टू 13 एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान द, मैं आपको बताता हूँ, ओके, द थ्री ईस्टर्न रिवर रबी ब्यास एंड सतलज दैट विल गोज टू इंडिया एंड इंडस जेलम एंड चनाब दैट विल गोज टू पाकिस्तान। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। नाउ ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसके ऊपर वाइल द सिस्टम ऑफ द वर्क्स अंडर कंस्ट्रक्शन इंडिया वुड कंटिन्यू सप्लाई वाटर, ठीक है, टू द ईस्टर्न रिवर्स। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही उसमें बता दी कि उसके पास एक्सेस है इंडिया, पाकिस्तान के पास ऑफकोर्स ये चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया उसमें से वेस्टर्न रिवर्स में से यूज़ कर सकता है, ठीक है, अनलिमिटेड नॉन कंसेप्टिव कंसेप्टिव यूज़ कर सकता है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट होनी ही नहीं चाहिए, तो फिर आप थोड़ी सी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, तो दोनों को बैठ के बात करेंगे तभी जाके अमेंडमेंट होगी, नहीं तो मुश्किल है। ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड कीप रिमेंबर इन योर माइंड। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑल अबाउट द यूरोपियन यूनियन बैन ऑन रशियन ऑयल। ओके, ये जो आप देख सकते हैं मैप, यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिस इज़ द कनेक्टिविटी, ये है, ठीक है, एक टाइप की जो कनेक्टिविटी है, जो रेड रेड जो जा रहे हैं ना, ये ऑयल टर्मिनल्स हैं, ये जो रेड लाइन जा रही है ना, दिज आर द ऑयल टर्मिनल्स एंड, ठीक है, सो नहीं, दिज आर द नॉट, ये जो रेड पॉइंटेड है ना, ये ऑयल टर्मिनल्स है, और ये जो लाइनिंग जा रही है ये रसिया यूरोप क्रूड ऑयल पाइपलाइंस, सॉरी, ओके, दीज आर द नॉट, दीज आर द पाइपलाइंस, ठीक है, रशिया और यूरोप में जो पाइपलाइंस बिछी हुई है कहाँ कहाँ, ये वो बता रही हैं, और ये जो है ये टर्मिनल्स हैं। ओके, नाउ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको पता होने की बहुत पता होना चाहिए ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कैसे जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से होते हुए निकलता है, बाकी जो यूरोप है उसमें ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो आपको पता होना चाहिए था, जिसके थ्रू मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मेरे को आपको ये बताइएगा जो बाल्टिक सी है उससे अटैच कौन सी कंट्रीज़ है, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। नाउ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने डिसीजन लिया है कि जो 90% ऑफ डिपेंडेंसी है वो ख़त्म करने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। यू कैन सी हेयर एज इट इज़ रिटन दैट एज अ पार्ट ऑफ सिक्स पैकेज ऑफ सैंक्शन since Russia invasion of Ukraine, the European Union member state on 30th of May reached an agreement to ban 90% of Russian crude oil import by the end of this year, ठीक है, लगभग 90% का ban लगाने वाले हैं किसके ऊपर, Russian crude oil के ऊपर by the end of this year, okay? और ये जो 90% है तो भाई 100% क्यों नहीं कर देते, तो 10% छोड़ा है, अब वो छोड़ा किस लिए है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन छोड़ा किस लिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो कुछ ओरिजिनल प्रपोजल्स हैं फॉर द ऑफ ऑयल एम्ब्रॉयज, वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट द प्रपोजल टू कम्प्लीटली फेज आउट, द प्रपोजल टू कम्प्लीटली फेज आउट रशियन क्रूड एंड रिफाइंड प्रोडक्ट फ्रॉम EU टेरेटरीज विदिन अ टाइम फ्रेम ऑफ 6 to 8 months वॉज फर्स्ट मूटेड बाई यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लियान इन अर्ली में, ठीक है। तो पूरा कम्प्लीटली फेज आउट करने का प्रपोजल डाला गया था, बट नहीं कर पाएंगे वो ऐसा, ठीक है, पूरा नहीं कर पाएंगे, 90% ही कर पाएंगे, 10% इसलिए नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट अलाउड रिप्रेजेंट फ्री पास फॉर हंगरी, ठीक है, द क्रेज रिपब्लिक, ठीक है, द जेंक रिपब्लिक, सोल्विकिया, बल्गेरिया एंड टू कंटिन्यू इंपोर्ट वाया ध्रुबस पाइपलाइन, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर्स, ओके, ध्रुबरा पाइपलाइन के थ्रू जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क्स है, तो ये 10% वहाँ जा रही है, तो वो खत्म नहीं कर पाएंगे पूरा, ठीक है। तो कंप्लीट इंपोर्ट बैन ऑन रशियन ऑयल सी बॉन्ड्स एंड पाइपलाइंस क्रूड एंड रिफाइंड, ओके, सो इट कुड नॉट बी लाइक दैट कि कंप्लीट होगा, 100% नहीं कर पाएंगे, 90% वो कर सकते हैं, ठीक है। सो इट नीडेड एग्रीमेंट ऑफ ऑल द 27 EU मेंबर स्टेट्स इन ऑर्डर टू बी इम्प्लीमेंटेड, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल जो स्टेट मेंबर्स हैं वो उनके ऊपर उनके लिए, ठीक है। नाउ रशियन की इकोनॉमी इज हैवली डिपेंडेंट ऑन एनर्जी एक्सपोर्ट, ओके, जो रशिया की इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा किसके ऊपर, एनर्जी एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड है। वाइल यू प्लेइंग बिलियंस ऑफ डॉलर एवरी मंथ
टू रशिया फॉर इट्स क्रूड ऑयल एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो यूरोपियन स्टेट्स हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं किसको, रशिया को देते हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं फॉर इट्स क्रूड ऑयल एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स। तो यू वांट टू ब्लॉक दिस मैसिव रेवेन्यू इनफ्लो, ओके, यू क्या करना चाहता है, इसको बंद करना चाहता है आप, और जो डिपेंडेंसी है वो खत्म करना चाहता है, रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो खत्म करना चाहता है, और उसका सेम अल्टरनेटिव क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, सो द यू हैज़ बीन अटेम्प्टिंग सिंस एवर यूक्रेन इन्वेजन टू बिल्ड अ कंसेंसस एंड ऑलवेज ऑन वे टू हर्ट रशिया इकोनॉमी सो that it forced to roll back its military offensive, ठीक है, ताकि वो अपने military offensive को पीछे खींच लें, और ये बहुत ही वो बोलते हैं ना, प्लानिंग की गई है, ओके, सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। जैसा कि आपको बताया कि 90% ही कर पाएंगे, 10% नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एक फ्री पास है किसके लिए, हंगरी के लिए, जैक रिपब्लिक के लिए, सोल्विया के लिए, बल्गेरिया के लिए, और ये जो रीजन्स हैं ये इनमें इंपोर्ट होती रहेंगी, ठीक है, एक्सपोर्ट होती रहेंगी, ओके, एंड ध्रुबजा जो पाइपलाइन है, जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क है, इसके थ्रू ये इनको ऑयल मिलता रहेगा, ओके। तो ये पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 90% ये बोल रहे हैं कि दे विल बी गोइंग टू बैन 90%, ठीक है, तो 90% कर सकते हैं, ओके। नाउ ये इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ने वाला है इन यूरोप एज वेल एज इन द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो क्राइसिस आ रही है उसके वजह से जो फ्यूल इन्फ्लेशन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है, लिविंग कॉस्ट एसेंशियल कॉमोडिटीज़ के ऊपर वहाँ पर देखने को मिल रहा है, हर जगह इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, तो ये वॉर जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ही ज़्यादा सरदर्द बनेगा सबके लिए। Now Europe will continue to pay Russia for gas import, okay? तो मैं बता रहा हूँ आपको कि इंपोर्ट बैन नहीं है रशिया के लिए, एक्सपोर्ट बैन है, मतलब कि रशिया से चीज़ें रशिया से लेंगे नहीं, रशिया को दे देंगे लेकिन रशिया से लेंगे नहीं, ठीक है, बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग की गई है। बट सिंस क्रूड इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव दैन नेचुरल गैस, ठीक है, क्रूड जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इवन दैन नेचुरल गैस, द ऑयल बैन एक्सपेक्ट टू हर्ट रशिया रेवेन्यू, ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दैट विल हर्ट रशिया रेवेन्यू। वॉट हैज़ इंडियाज़ रिस्पॉन्ड टू दीज डेवलपमेंट्स, ठीक है, तो आपको पता है कि हम रशिया से परचेज कर रहे हैं बहुत ही सस्ते तेल, ठीक है, इवन ऑन द डिस्काउंटेड रेट ऑफ पर बैलर 30-35 पर बैलर डॉलर हम लोग डिस्काउंटेड रेट पे हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो 30 या 35% पर बैलर पे हमें छूट मिल रही है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और हम ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा थोड़ा हम लोग ले रहे हैं स्टॉक, बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टॉक ले रहे हैं, और हम इसीलिए बहुत ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि हमें सस्ते तेल मिल रहे हैं वहाँ से, ठीक है, और हम लेंगे, ऑफ कोर्स हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा हम वहाँ से लेंगे, और अगर हम कंट्री से ले रहे हैं तो वहाँ पर स्टे हाई है, प्राइसेस हाई है, तो हमें वहाँ से लॉसेस होंगे, इसीलिए हमको तो रशिया पे ही डिपेंड होना है अभी, ठीक है, अभी भी हमारे लिए रशिया ही सही है और पहले भी सही था, ठीक है, जब भी हमारा कहीं भी हमारा गांठ फंसा है ना तो रशिया ही निकाला है, ठीक है, इवन एक टाइम पे US भी हमारे अगेंस्ट में था तो रशिया ही आया था उस टाइम पे, ठीक है, इवन कोई अदर कंट्रीज आई भी नहीं थी, ओके। नाउ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो इन द टाइम ऑफ COVID-19 पैंडमिक जो डेथ के केसेस थे कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, ठीक है, नाउ वो मॉर्टलिटीज़ जो है वो इंडिया ने मॉर्टलिटीज़ रेट को क्रॉस किया, 7 लाख डेथ के केसेस देखने को मिले हैं, और कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर हाईएस्ट नंबर थे, जैसे तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, दीज आर द स्टेट विच हैज रिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सेस डेथ ड्यू टू COVID-19, ठीक है। नाउ इंडिया ने जो हैवली इफेक्टेड है इसके रिगार्डिंग जो एक मैथमेटिकल मॉडल्स है उसके रिगार्डिंग अपोज किया है इंडिया ने, और बोला है कि मैथमेटिकल जो मॉडल्स हैं वो गलत, उनके जो डाटा है वो गलत है, बट जो एक्यूरेट डाटा है उसके ऊपर इन्होंने बताया नहीं है, ठीक है, तो ये जो चीज़ें इसमें थी ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं, क्रिटिक्स आपको जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आशा वर्कर के रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट आशा वर्कर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इन COVID-19, ठीक है, स्पेशली इन द COVID-19 आशा वर्कर जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्लेस किया है स्पेशली इन द टाइम ऑफ COVID-19, ठीक है। इंडियाज 1 मिलियन एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, आशा, ठीक है, आशा ग्रुप या फिर आशा हेल्थ वर्कर्स आप कह सकते हैं, accredited social health activists volunteers have received arguably the biggest international recognitions in the form of World Health Organization Global Health Leader Award 2022. The ASA were among 6 awarded in the announced at the 75th
वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जलेवा। ओके, आशा वर्थ अमंग सिक्स अवार्डी, ठीक है, आशा किन में थी, उन छः अवार्डी में से थी आशा जिनको अवार्ड दिया गया एट द टाइम ऑफ 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जनेवा। दिस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ वर्क डन बाई आशा वॉलंटियर ड्यूरिंग COVID-19 पैंडमिक एज वेल एज फॉर सर्विंग एज अ लिंक बिटवीन कम्युनिटीज एंड हेल्थ सिस्टम। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए इनको अवार्ड दिया गया, ये उनको COVID-19 पैंडेमिक में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया एज वेल एज जो कम्युनिटीज है उससे उनको हेल्थ सिस्टम से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लिंक से जोड़कर रखा, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इवन बिफोर COVID-19 पैंडेमिक आशा हैव मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनेबलिंग इंक्रीज एक्सेस टू प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, ना ही केवल पैंडेमिक में, पैंडेमिक से पहले भी उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाए हैं ताकि उनका मेन फोकस था हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर। Even maternal and child health, including immunizations and treatment of hypertension, diabetes, tuberculosis for both rural and urban population, especially with focus on difficult to reach habitation. ठीक है, जहां पर नहीं पहुंचा जा सका, ठीक है, जहां पर नहीं पहुंचा जा सकता था वहां पर भी उन्होंने वो गए और बहुत ज्यादा फोकस किया। और बिफोर COVID-19 उन्होंने कुछ चीजें थी उनके ऊपर ध्यान दिया, जैसे कि immunization के ऊपर, hypertension के ऊपर, diabetes, tuberculosis, ना ही केवल rural areas में या ना ही केवल urban areas, ठीक है, ना ही केवल अर्बन एरियाज में बल्कि रूरल एरियाज में भी उन्होंने ये सब चीजें ध्यान दी। ठीक है, स्पेशली ऐसे जगह पे जहां पर नहीं जाना पॉसिबल नहीं था जाना। ठीक है, सो इट वाज लॉन्च इंडियाज लॉन्च आशा प्रोग्राम इन 2005 एंड 6 एज द पार्ट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत इंडिया ने इसको लॉन्च किया था 2005-06 में। ओके, ये लिख लीजिए इंपॉर्टेंट चीज है, इट इनिशियली रोल्ड आउट इन रशियन रूरल एरियाज विद द लॉन्च ऑफ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन इन 2013। इट वॉज एक्सटेंडेड टू अर्बन सेटिंग्स एज वेल। ठीक है, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया, पहले ये रूरल एरियाज के लिए इसको किया गया था। ओके, बाद में इसको अर्बन के लिए कर दिया गया। इच ऑफ दीज वुमेन ओनली वॉलेंटियर्स वर्क विद द पॉपुलेशन ऑफ नियरली 1000 पीपल इन रूरल्स एंड 2000 पीपल इन अर्बन्स विद फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लोकल एडजस्टमेंट। द कोर ऑफ द आशा प्रोग्राम्स हैज बीन इंटेंशन टू बिल्ड अ कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ। ओके, own health and being the partner in health service. Okay, so these things are very important which you should remember. The ASA program was inspired from learning from two past initiatives. जो ASA program था ये दो past initiatives की वजह से emerge हुआ था, formed हुआ था. One from the late 1970s, एक था late 1970s की वजह से और दूसरा early 2000, ठीक है, दो early 2000 की वजह से ये हुआ था। ठीक है, सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर। ओके, सो दीज थिंग्स आर देयर। आपको आशा वर्कर्स के बारे में मुझे बताना था, सो इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ थी, द बिगेस्ट इंस्पायरेशन फॉर द डिजाइनिंग द आशा प्रोग्राम्स केम फ्रॉम मेटानिन। ठीक है, मेटानिन क्या है, मेटानिन का मतलब होता है एक फीमेल फ्रेंड इन छत्तीसगढ़ी। ठीक है, एक छत्तीसगढ़ी में इसको बोलते हैं फीमेल फ्रेंड इनिशिएटिव्स फॉर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये वहाँ से आया था, विच हैड स्टार्टेड इन मे 2002। ठीक है, तो ये वहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये हर जगह इंडिया में फैला और आज के डेट में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द वर्ल्ड ऑल्सो। ओके, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, वीडियो को शेयर किया कीजिए। एट द सेम टाइम अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।